फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों की साग और मक्के की रोटी, जो कि हरियाणा और पंजाब की रेसिपी है, जो कि पंजाबी बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और पंजाबी लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं पंजाबी स्टाइल में बनाऊंगी सरसों की साग और मक्के की रोटी। तो मेरे कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज बनाने जा रही हूँ सरसों की साग और मक्के की रोटी। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बंडल सरसों की साग, एक बंडल पालक की साग, एक बंडल मेथी की साग और एक बंडल यहाँ सोया साग ले रही हूँ और एक बंडल मैं बथुए के साग। आप चाहे तो मूली का साग भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो सबसे पहले हम साग की सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सारे साग को अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि बहुत ही धूल मिट्टी इसमें होती है। तो मैं यह खड़े साग जो है उसी तरह से मैं इसे पहले धो ली हूँ, अच्छी तरह से मिट्टी साफ़ कर लेंगे। और सरसों के साग में जो डंठल होते हैं उसे हम अलग कर लेंगे साग से। देखिए इस तरह से सारे पत्ते को अलग कर लीजिए और जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सारे को अलग कर लीजिए, साग और डंठल को। ये देखिए हमने साग अलग कर लिए हैं और डंठल को भी हम अलग कर लेंगे। डंठल के साथ साग बनाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए डंठल को ना फेंके, डंठल के साथ आप बनाएं। तो सबसे पहले डंठल के हम रेशे को हटा लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे जो पकने में बहुत आसानी होगी और रेशे भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से सारे रेशे को आप छील लीजिए, सारे डंठल के इसी तरह से हम छील लेंगे। तो इस तरह से छील लेंगे सारे डंठल को, जितने हमारे पास डंठल है सारे के दोनों साइड से इस तरह से निकाल के सारे रेशे अलग कर लीजिए सारे डंठल के, और इसे रेशे को हम अलग करके फेंक देंगे। ऐसे इसी तरह से हम बथुए का भी हम साग का निकाल लेंगे रेशे। ये देखिए इतने सारे रेशे हम निकालें। तो इस तरह से हम मैं ये निकाली हूँ, ये सरसों की साग के रेशे हैं। तो इसी तरह से हम बथुए के साग के भी रेशे को अलग कर लेंगे। जो हार्ड वाले हैं तो वे वाले हार्ड वाले हिस्से को हम अलग कर लेंगे, इस तरह से जो जो सॉफ्ट वाले हैं उसे हम अलग कर लेंगे, क्योंकि डंठल जो हार्ड वाले वो पकेगी अच्छे से नहीं, तो इसे भी इस तरह से छटाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बथुए की साग को आधा यूज़ कर रही हूँ, एक मुट्ठल पूरा नहीं, एक ब्रंच पूरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बथुए की साग कड़वी होती है तो इसलिए हम आधा यूज़ करेंगे। और ये एक बंडल जो है, एक ब्रंच जो है, ये सरसों के साग का यूज़ करेंगे हम। तो पहले डंठल को हम बारीक बारीक काट लेंगे, जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप काट लीजिए इसे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो सके। इस तरह से सारे डंठल को हम कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक अलग से, इसे हम अलग से रखेंगे, साग के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि पकाने में आसानी होगी इसलिए हम इसे अलग से कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से सारे को हम कटिंग कर लेंगे पहले। अब इसे हम अलग रख लेते हैं। अब हम पालक की साग का यूज़ करते हैं। तो पालक के साग में अगर डंठल है तो आप इसके डंठल को अलग कर लीजिए, और अगर डंठल नहीं है तो आप इसके डंठल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके डंठल में थोड़ी मोटी मोटी मेरी डंठल है तो मैं इसके डंठल को अलग कर लेती हूँ, और इसे हम डंठल के साथ चॉप करके डाल लेंगे। और जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ को मैं इसे बड़े बड़े अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग मैं ट्रिक लगाऊँगी, वो आप आगे से वीडियो में देख सकते हैं। तो पत्ते को पहले अलग रख लेते हैं इसे। तो इसी तरह से हम सबसे पहले मेथी के साग को भी कटिंग कर लें। यहाँ मेथी का साग को भी मैं, मेथी के साग की भी मैं आधा यूज़ कर रही हूँ, एक ब्रंच पूरा यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि मेथी भी कड़वी होती है, तो इसे भी आधा यूज़ करें, क्योंकि ये साग ज़्यादा डालने से कड़वी हो जाएगी। तो इसे भी हम आधा, और जितने ज़्यादा बारीक हो सके इसे भी कटिंग कर लीजिए आप इसी तरह से, या चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं मोटे मोटे, वैसे इसमें ज़्यादा बारीक नहीं भी रहेगी तो चल जाएगी। तो सेम इसी तरह से हम सरसों के साग की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सरसों के साग भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे सोया साग की। सोया साग को आप क्या बोलते हैं आप भी ज़रूर मैसेज करके हमें कमेंट में बताइएगा। तो सोया साग को कटिंग करने के बाद अब हम बथुए की साग की भी सेम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ सोया भी आधा ब्रंच डाली हूँ और बथुआ भी आधा ब्रंच डाली हूँ। अब हम चलते हैं गैस पे, एक कुकर ले लेती हूँ, आप चाहे तो हांडी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पालक को गरम उबले हुए पानी में हल्के नमक डाल के इसे हल्का सॉफ्ट करके इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे इसके कलर के लिए हम अलग से बाद में मिक्स करें। अगर आप ज़्यादा पत्ते डाल रहे हैं तो आधा आप साग में भी डाल सकते हैं, आधा इस तरह से आप निकाल के रख सकते हैं। ये ट्रिक आपको बाद में वीडियो में देखने को मिले, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए।
इस तरह से हम पानी को अलग कर लेंगे, जो पानी साग वाली बची हुई है। अब ये सारे जो डंठल हमने निकाले थे उसे हम तले में डालेंगे, क्योंकि ये अच्छे से पक जाएगी तले में। और यहाँ पे मैं 2 कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इस तरह से 2 कप के करीब पानी डाल लीजिए आप, सेम वही पालक वाले पानी। और जो पानी बच रही है इसे भी हम रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। और स्वाद के अनुसार थोड़ी सी नमक डाल लीजिए, क्योंकि नमक का अभी हम और भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से साग डालने के बाद अब थोड़ी सी इसमें हम जितनी जगह है कुकर में उतने हम साग डाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सरसों का साग डाल रही हूँ, उसके बाद मेथी का साग। अब ये भर चुकी है तो इसे हम थोड़ी सी ढक्कन लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो अंदर चली जाएगी, क्योंकि साग बहुत जल्दी गलती है, ये पानी भी छोड़ती है। तो गल जाने के बाद हम सारे साग को इसमें सेट कर देंगे, सोया साग और बथुए के साग। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच से करीब, यहाँ पर मैं अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ, और 2 हरी मिर्च। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस स्टेज पे लहसुन डाल लीजिए 5-6 कलियाँ, और इसे सीटी लगा के 5 से 10 मिनट तक आप इसे स्टीम से पकाइए और गैस निकलने तक उसमें रखिए। अब हम पालक को जो रखे थे उसे अलग से पीस लेंगे ठंडा करके। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब, 2 से 3 चम्मच करीब बेसन भून रही हूँ डालने के लिए। इसका ट्रिक मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो इस तरह से देखिए ये साग पक चुकी है, तो इसे मैं 10 मिनट तक स्टीम में सीटी लगाने के, 1 सीटी लगाने के बाद रखी थी इसे। अब इसे गैस निकलने तक इसमें रहने दीजिए। अब हम इसे इस तरह से घोटने से घोटेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच मक्के की आटा और 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन भुना हुआ जो भुनी थी वो रखूँगी। ऐसे 20 से 30 मिनट तक आपको इसी तरह से घोटने पड़ेगी, तभी ये अच्छे से इस तरह से क्रीमी जैसा टेक्सचर इसमें आएगा, तभी इसमें टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से आप ये वाली घोटने वाली मार्केट में अवेलेबल है, रहती है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो इस तरह से घोट लीजिए आप इसे अच्छे से, कम से जब तक इसे घोटे जब तक ये अच्छी तरह से इस तरह से मक्खन की तरह ना हो जाए। अब चलिए इसका हम तड़का लगा लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप साग को पकाएंगे उतना ज़्यादा आपको टेस्ट लगेगा। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी आधा चम्मच छोटी चम्मच से मैं हींग डाल रही हूँ। अगर हींग का स्वाद आपको पसंद नहीं है तो फुल्ली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च और डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब अदरक कद्दूकस करके। अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन प्याज, तो इस स्टेज पे आप लहसुन प्याज का यूज़ ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं 1 टमाटर डाल रही हूँ, अगर आपको टमाटर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फुल्ली स्किप कर सकते, ये ऑप्शनल है। तो अब हम टमाटर को चॉप करके अच्छे से थोड़ी सी से भून लेंगे लो फ्लेम में। इस तरह भुनने के बाद अब इसे मैं यहाँ पर छोटी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, और आधा चम्मच छोटी चम्मच से 1 चम्मच और बड़ी चम्मच से आधा चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। जब ये भून जाए थोड़ी सी, तब हम इसमें साग को डालेंगे। तो साग में देखिए बेसन और मक्के के आटा डालने से काफ़ी थिकनेस आ गई है। इस तरह से आप चाहे तो सिर्फ मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बेसन भी डाल सकते हैं, या दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे टेस्ट वैसे डाल सकते हैं। तो इस तरह सारा साग को इसमें हम डाल लेंगे। और जो इसमें पालक वाले पानी हमने रखे थे, अब उस तरह से कुकर में डाल के सारे इसमें मिक्स कर लेंगे, और सारे अच्छे से वेस्टेज ना करें इसे ना करते हुए इसमें हम डाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे को इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पालक पीस के रखी थी अब इसमें हम डालेंगे, जाके इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा इस तरह से डालने से। तो पालक को अच्छे से हमने मिक्सी में पीस ली। आप चाहे तो इसे सील पट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से पीसने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट तक आप पकाइए धीमी आंच में। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा ये अच्छी होगी। अब इसमें मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच करीब घी डाल रही हूँ। घी डालने से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो इसी तरह से घी डाल के आप इसे कम से कम 10 से 15 और पकाइए, 10 से 15 मिनट तक। तो पकने के लिए छोड़ देते, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पे गैस पे 2 कप के करीब यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ पतीले में। आप चाहे तो कोई बर्तन में डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। अब इसमें हम जब पानी में उबाल आ जाएगी तब इसमें हम मक्के की आटा डालेंगे। तो 2 कप पानी में मैक्सिमम, यहाँ पर मैं 2 कप के करीब मक्के की आटा डाल रही हूँ। अगर आप
कम पड़ती है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर पानी गर्म करके थोड़ी सी आप अलग से रख लीजिए, ताकि कम पड़ेगी तो हम इसमें डालने की ज़रूरत पड़ सकती, इसलिए जब पानी गर्म करें तो थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा पानी आप अलग से रख लीजिए। तो इस तरह से सारे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, इस तरह से देखिए ताकि सूखे ना रहे, एक भी लम्स ना रहे इसमें, इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल के और मिक्स कर लेते हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी पानी रखी थी गरम करके, ताकि कम पड़े तो मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो जिस कप से आप मक्के के आटा का मेज़रमेंट करें, उसी कप से पानी का भी यूज़ करें। तो इस तरह सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और इसे ढक के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडी थोड़ी हो जाएगी हाथों से छूने लायक, तब तक मैं इसे ठंडा कर लेते हैं। तब तक अब साग को चेक कर लेते हैं। तो साग जब तक हमारी पक चुकी है, 20 से 25 मिनट मैंने इसे पहले पकाए थे, या 20 से 25 मिनट बाद में पका रही हूँ, तो टोटल ये आधे घंटे लग गई हमारे पकने में। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच बटर डाल रही हूँ। साग में बटर और घी का टेस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं मक्के के साग में, तो सॉरी मक्के के साग, सरसों के साग में। तो इस तरह से देखिए जब क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, सारा तेल ऊपर आ जाएगा, तेल और घी, तब ये समझिए पकने के लायक हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसमें बटर डाल के मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारे सरसों के साग तैयार है। तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी टेस्ट इस देखने में लग रहा है। तो जितना ज़्यादा साग को पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्ट लगेगा आपको, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ साग को बनाइए। अब हम चलते हैं मक्के की रोटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आटा को हम निकाल लेंगे किसी मिक्सिंग बाउल में। तो इस तरह से मिलाने के लिए हम इसे निकाल लेते हैं हाथों से छूने लायक, ये ठंडी हो चुकी है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल का यूज़ करेंगे हम, और इसे अच्छी तरह से आटा जिस तरह से गूंथते हैं उस तरह से हम गूंथ लेंगे। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट आटा मैं इसके लगाई हूँ, ताकि रोटी बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम जिस तरह से रोटी की लोइयाँ बनाते हैं, नॉर्मल रोटी को उस तरह से इसकी लोइयाँ बना लीजिए सेम साइज़ की। और यहाँ पर मैं सूखे मक्के के आटा भी रखी हूँ, जिससे इसे रोटी बेलने के काम आएंगे। तो इस तरह से पहले लोइयाँ बना लें, जिसे नॉर्मल लोइयाँ हम बनाते हैं। उसके बाद सूखे आटे में जिस तरह से हम लगाते हैं, उस तरह से हम इसमें मक्के के आटा लगाएंगे, और इसे हम अब बेलेंगे। तो बेलन से ही मैं इसे बेल रही हूँ, तो इसे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसे बेलें, ज़्यादा दबाएं नहीं, क्योंकि ये आटा बहुत ही जल्दी दब जाती है। तो इस तरह से सूखे आटे लगाते हुए इसे बेल लिए, बहुत ही आराम से इसे बेली। अगर आप जितनी बड़ी रोटी खाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बना रही हूँ, साइड साइड थोड़ी सी क्रैक्स आएगी। अगर आपको क्रैक्स नहीं चाहिए तो इसे एक कोई भी कटोरी से या कटर से आप इसे काट सकते हैं, पर मैं काट नहीं रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी क्रैक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसे तवा को गर्म कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम में सबसे पहले, क्योंकि पहले गर्म ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम जब ड्राई हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे। और इस तरह से देखिए रोटी कितनी फूली फूली बन चुकी है हमारी रोटी। तो सेम इसी तरह से हम सारे रोटी को बना लेंगे, जितनी रोटी आपको बनानी है मक्के की, तो इसी स्टेप से सारे रोटी को बना लेंगे। ये देखिए फिर दूसरा फुला के मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से फुलाएंगे तो रोटियाँ काफ़ी फूली फूली बनेगी। ये देखिए ये सारे रोटियाँ हमने इकट्ठे बना लिए हैं, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट रोटी बनी है मक्के की रोटी। इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। तो घी लगा बाद में लगा लीजिए, जब आपको खाना है तब घी लगा लीजिए, और इकट्ठे बना लेते हैं पहले। अब घी लगाने से मक्के की रोटी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अब हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ देख बटर के साथ और रोटी। और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा जोड़ दवा, जिससे कि मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है जरूर बताएं। और फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी नई नई रेसिपी आपको देखने लगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मक्के की रोटी बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।